मिला इस फिल्म के लिए और बहुत सारी सराहना मिली है, और आपके कुछ बहुत खास अवार्ड्स, मुझे फिल्म फेयर सबसे लीडिंग अवार्ड्स लगते हैं, वो आपको इसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसमें नॉमिनेट कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी देखिए, कंपटीशन जब बहुत खूबसूरत होता है तो जीतने का मज़ा और होता है, और मुझे डेफिनेटली लगता है मुझे जीतना चाहिए, खास तौर पे बीएमबी के लिए, बिकॉज आई थिंक दिस फिल्म रियली गॉट मी लॉट्स ऑफ लव। मेरे ख्याल से जब हम सबसे पहले अवार्ड्स ही मेरे फिल्म फेयर रहे हैं, सो इनकी एक अपनी जगह है, सिग्निफिकेंस है, शुरुआत है, और अपने आप का एक अलग दर्जा बनाया हुआ है, सो इसमें आना, इसमें नॉमिनेट होना, इसमें दिखाई देना, आई थिंक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। जब मुझे यहाँ 5 decades भी हो जाएंगे तब भी अवार्ड्स मेरे ख्याल से मायने रखेंगे। अवार्ड्स मिले नहीं मिले, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट होना एक बहुत खूबसूरत बात लगती है, कि हर साल एक नॉमिनेशन मिलता है, और वो ऑडियंस का प्यार हो, वो चाहे अपनी खुद की फ्रेटर्निटी का प्यार हो, अच्छा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस को मायने दिए जाते हैं, उसे एक्नॉलेज किया जाता है। देखने वाले सब दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता बोला मैंने, सॉरी मैं शूट से आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या दत्ता। देखने वाले सब दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, मैं नॉमिनेट हुई हूँ फॉर बेस्ट डेब्यूटेंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ आई फील रियली बैड इफ आई डोंट विन। यस, मैं नहीं सोच रही ज़्यादा अपने चांसेस के बारे में, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रही हूँ। आई जस्ट होप कि आगे, आई मीन ऑफकोर्स अवार्ड्स हेल्प इन मोटिवेटिंग, मोटिवेशन मिलता है, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम यू नो द ज्यूरी एंड पीपल, बट या आई मीन इफ आई गेट एन अवार्ड नथिंग लाइक इट, इफ आई डोंट देन आई वर्क हार्डर नेक्स्ट ईयर। आई थिंक परिणीति ने बहुत बेहतरीन काम किया था शुद्ध देसी रोमांस में, शी वर्क रियली हार्ड फॉर इट, जबकि वो गायत्री जो कैरेक्टर है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें काफ़ी काम करना पड़ा था। आई होप, आई विश हर ऑल द बेस्ट, आई होप शी विंस। आई कैनॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स, बातें चल रही हैं, बट अभी आई कॉन्ट डिस्क्लोज एनी थिंग। थैंक यू, थैंक यू। ओह, what should I say? Happy Republic Day? Okay, Happy Republic Day. Thank you. आज मैं यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। Actually, I wish कि मैं थोड़ा पहले आ गया होता, क्योंकि I think स्यापा स्टार्ट हो चुका है अंदर, और रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा होस्ट कर रहे हैं, तो जब वो दोनों कोई चीज़ करते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग और बड़ी मज़े की चीज़ होती है।